आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब पढ़ी है? व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पॉटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पॉटी करी है। आजादी का ये जो 75वां साल लिख रहा है ना अमृत महोत्सव, इसमें बता रहा हूं गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है कि कलेजा कैसे होता है। क्या कहने, आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब पढ़ी है? ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पॉटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पॉटी करी है। तुम्हें सोच के देखना वो दृश्य, आज ये जरा जरा सी बात पर अमेरिका के सामने घिग्गी बांधने वाले, चीन के सामने घुटने टेक देने वाले, जरा जरा सी घुड़की पे बिल में अंदर घुस जाने वाले नेतृत्वों से पूछना चाहता हूं, चाहे इनकी सरकार का हो चाहे उनकी सरकार का हो, 1932 में गांधी खड़ा है इंग्लैंड में राजा के महल में अकेला। राजा ने पूछा, वेल मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहां गए? बिना कांपे यूरेनियम से बने हुए, प्लेटिनम से बने हुए, डायमंड से बने हुए सीने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीर ने कहा, जो सेंटेंस बोला उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, नापने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। उसने कहा, हिंदी में सुनाता हूं जो अंग्रेजी में कहा, नॉट इवन माइन, तुम्हारे कपड़े कहां गए? उसने कहा, मेरे छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े तो चुरा कर आपने पहन लिए। इसके लिए कलेजा चाहिए। आपका चाचा अच्छा हो सकता है, आपके बाप अच्छे हो सकते हैं, पर इससे मेरा बाबा बुरा कैसे हो गया यार? आप अजीब आदमी है भाई। क्या कहने, जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी को गोली? राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं? क्या इतिहास को पुस्तकों से पढ़ो भाई। ये लाइव जा रहा है, इसे लाखों लोग देख रहे हैं और मैं जानता हूं कि कल मुझे गालियां भी पड़ेंगी, छोड़ेंगे नहीं भक्त, फिर भी कह रहा हूं, और यहां भी बैठे होंगे उनकी गालियों के बीच कह रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं आप में से जो पढ़ा लिखा हो वो यहां आ जाए, एक माइक में दे दूंगा, आज बहस कर लें। इनका तो दुर्भाग्य है कि इन्होंने खुद ने ऐसों की फौज इकट्ठी कर रखी है जो बोल नहीं पाती। हाँ, जो पीढ़ी अपने इतिहास को गाली देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और भविष्य भी उसके लिए रास्ता।